में बहुत सारी वैरायटी है अपने पास। ये तो आपको छोटी सी एक वैरायटी। हमारा सवाल ये है कि जैसे अभी आप ये पौधा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है एग्रीकल्चर स्कोप। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे ऐसे 10 ऐसे चीपेस्ट इनडोर प्लांट जो कि आप खरीद सकते हैं बहुत ही अच्छे दामों पे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो दोस्तों जहां हमने पहले आउटडोर प्लांट के बारे में बताया था, इस बार इंडोर प्लांट के बारे में बताएंगे। जो हमारे मुस्तमिल भाई ये बहुत अच्छे अच्छे इंडोर प्लांट के बारे में बताई। तो मुस्तमिल भाई आपके हाथ में ये कौन सा प्लांट है? ये रबर प्लांट है, ये भी बहुत शानदार रबर प्लांट होता है और अपने घरों के अंदर लगाना अच्छा लगता है ये, और बहुत अच्छा है। लेकिन सर हमारा सवाल ये है कि जैसे अभी आप ये पौधा जो बता रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इसको हम धूप में रखें, मतलब थोड़ी धूप में रखो या छाया में रखो, बहुत शानदार चलता है ये वाला प्लांट। हाँ अच्छा। और इसको ये का है, जो दूसरा इंडोर है मेरे पास, ये छाया में लगता है मकान के अंदर। इसका क्या नाम? क्रोटन। क्रोटन प्लांट। हाँ आपके पास वो जो बारीक पत्ते वाला है वो भी होगा? हाँ जी, सारे पत्ते हैं, सारी क्रोटन है, बहुत सारी वैरायटी है अपने पास। ये तो आपको एक छोटी सी एक वैरायटी दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो आप वो बारीक पत्ती वाला भी दिखाइए एक बार। बारीक पत्ती वाला भी दिखाऊंगा ना। जैसे ये बारीक पत्ती वाला है, बहुत अच्छा पौधा है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो क्रोटन प्लांट है ये बारीक पत्ती वाला है, साथ ही मोटी पत्ती वाला जो अभी आपको बताया है। बहुत सारे प्लांट हैं इसमें, इंडोर में बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे आपको। अच्छा मुस्तमिल भाई, ये वाला जो पौधा है ये बिल्कुल अलग दिख रहा है, इसका क्या नाम है? साइप्रस। ये इंडोर है ना, सारे इंडोर में मिलते हैं। अच्छा, तो आप ये वाला पौधा निकालिए एक बार, इसके बारे में देखिए इसको। हाँ ये वाला, जैसे ये है अपना। हाँ ये साइप्रस है, ये भी मकान के अंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें कोई मतलब ऐसे कोई कांटे वांटे तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हरा चल गए, बहुत शानदार पौधा है। अच्छा, तो इसकी प्राइस क्या क्या होगी? इसकी प्राइस होगी 120। तो ये जो आप पौधा देते हैं ये मतलब गमले सहित देते हैं? हाँ गमले सहित है ना, मतलब जो गमले वो अलग से रखे हुए हैं तो आप वो नहीं, इसमें गमले आते हैं ना अलग से, उसके उसके साथ ही चलते हैं ये। अच्छा, तो इसके और जैसे इसके अलावा जैसे हमारे पास ये है बादाम है, अच्छा खाने वाला। ये तो आउटडोर का होगा? हाँ जी आउटडोर का है, मगर बादाम बहुत दोबारा बोलो। ये इंडोर ही प्लांट है, इसको बादाम बोलते हैं, अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। अच्छा, मैंने तो ऐसे सोचा था कि जो बादाम का पौधे होते हैं सिर्फ घर के बाहर। नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, ये गमले में भी लग सकते हैं। ये ओरिजिनल बादाम आते हैं जो 3 से 4 फुट में फल दे देते हैं। अच्छा हाँ, तो यानी कि वो दूसरे वाला है जिसमें ना जो घर के बाहर लगते हैं। जी जी बहुत अच्छा। तो इसके अलावा और कौन कौन से प्लांट है आपके पास इंडोर? इंडोर तो हमारे पास बहुत सारे हैं, किशमिश ट्री है और बहुत सारे प्लांट हैं। अच्छा, आप इंडोर प्लांटों की वैरायटी तो बहुत सारी हैं, आप क्या क्या बताएं आप? तो आप हमें और भी इंडोर प्लांट जो आपके पास अवेलेबल है एक बार दिखा दीजिए। बहुत सारे इंडोर हैं, ये रखे हैं बहुत सारी वैरायटी। हाँ उसकी भी क्रोटन है? नहीं ये वाला, ये कौन सा? ये हाँ ये क्रोटन ही है ना, क्रोटन की वैरायटी है ना ये। और ये वाला? ये चांदनी है, फूलों की है बहुत सारे ये। अच्छा, और ये जो व्हाइट फूल है? हाँ ये चांदनी है ना। आपके पास गुलाब की जो 2-3 वैरायटी आती है जो जिसमें अलग अलग कलर के फूल आते हैं? वो नहीं है अभी, डबल सेट वाले आते हैं, वो अभी नहीं आए, वो सर्दियों में ज्यादा आते हैं। 250 का जेस्टोप आए, ये भी बहुत जेस्टोप आए, ये भी फूलों का है, बहुत गजब पौधा है। ये इंडोर है? हाँ। तो दोस्तों जैसा आपने देखा मेरे पास वो जो बहुत ही अच्छे अच्छे इतने सारे इंडोर प्लांट हैं जिन्हें बता ही नहीं पा रहा, वो सारे इंडोर प्लांट हैं इनके पास। तो अगर आपको इनके इंडोर प्लांट की ज़रूरत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके फ़ोन नंबर दे दूंगा ताकि आप खरीद सकें। जैसे इंडोर में ये आपके जिसको आप ये है इंडोर में, आप इसको क्रासुला बोलते हैं, बहुत अच्छा रहता है घरों के अंदर, शुभ होता है। क्या क्या है मतलब इसकी क्रासुला? इसकी क्वालिटी 2-4 आती है, इसमें ज़्यादा इससे ज़्यादा सर नहीं आती। अच्छा। जी
हाँ, तो बहुत ही अच्छे अच्छे पौधे हैं दोस्तों इनके पास। तो ये था आज का हमारा वीडियो, ने जो इंडोर प्लांट है वो सारे देखे, बहुत ही अच्छे अच्छे पौधे हैं। अगर आपको भी इनके पौधे की ज़रूरत पड़ती है तो आप ले सकते हैं। तो मुस्तमिल भाई अब हम विदा लेते हैं।